Hi folks, welcome to our channel. So we are going towards the Thiksay Monastery. We visited the Hemis Monastery before this. The video for which is already out on our channel and the link is in this video's description. And while we are going towards the Thiksay Monastery, we can also see the Stakna Monastery. Unfortunately, we did not visit it, so we'll just give you a glimpse of the Stakna Monastery. There you have it. And man, the roads were just so beautiful. You know, straight, smooth roads, Himalayan mountains, what else can you wish for? Okay, so we have reached Thiksay Monastery. These are some photos of the entrance. And once you reach the first or the second landing, you have this grand view from that place. This is a 15 meter high Maitri Buddha statue. It is inside Thiksay Monastery, around 2 stories tall. And if you look at the statue, the serenity and calmness it portrays, and you got to be there and experience it to believe it. Monks there also explained the Bhava Chakra or the Buddhist wheel of life to us. So do listen to it, it's an interesting explanation. थ्री लोअर पार्ट जो है ना, ये बुरे काम करने वाले के लिए यहाँ पैदा होते हैं। अच्छा। तो थोड़ा अच्छा काम करते हैं तो ये तीन ऊपर जो पार्ट होते हैं उसमें पैदा होते हैं। वो ये सारे जो इसमें पार्ट होने की सारे कारण जो है ना, ये बीच में बने हुए, इसी की वजह से हम इसी में घूम रहे हैं। अच्छा। तो ये पिक और बार से स्नेक जो है ना, ये सैम्बल्स बने हुए हैं, जैसे इग्नोरेंस पिक, इग्नोरेंस, और ये बार्स जो है ना, ये हेटिच जो डिजायर, और ये सिनेक जो है ना, ये सिंबल्स करते हैं, ये हेटिच, ओके, इग्नोरेंस, हेटिच, और ये जो ये इसी तीन के वजह से हम इसी सर्कल में घूमते रहते हो जब तक निर्वाण ना हो। हाँ, क्योंकि निर्वाण होने की चांस नहीं होते, इग्नोरेंस ज्यादा होते हैं। तो इग्नोरेंस में कुछ किस मतलब किस कैसे हम यहाँ से मुक्ति पाओ उसको जानते नहीं, तो उसी रास्ते पे चलेंगे नहीं। अगर ये बुरा है, ये अच्छे काम है, उसको पहचानता है, तो वो थोड़ा मतलब अच्छे काम करने के लिए वो ट्राई करेंगे। सबसे बुरे तो वही, कुछ नहीं जानता वो सबसे बुरा है। अगर कुछ जानता है तो मतलब कुछ कुछ करेगी वो। और एक तरफ वो और है, ये एक इग्नोरेंस और हैटिट जो है गुस्सा होते हैं, मतलब कुछ काम बुरे काम करने तो ओ इसको बुरे किया, मैं उसको बदले में बुरा करेगी, ये सोचते हैं। और एक ये क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस और है हैटिट, और एक होते ये अटैचमेंट, अच्छा। ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, सारे मतलब खुशी होने के लिए बहुत सारे मेटेरियलिस्टिक सारा कुछ। हाँ। हमारे अंदर जो है ना वही ज़्यादा होते हैं, उसी वजह से हमको मुफ्ती नहीं मिलते। जब तक तो उसको कंट्रोल नहीं करेगी, इसमें मतलब मुफ्त होने के लिए कुछ नहीं, अच्छे काम नहीं करेगी, तो तभी ये इसमें मुफ्त नहीं हो सकते हम। तो इसलिए अच्छे होते हैं, ज़्यादातर कर्मा पे डिपेंड किया जाते हैं। अच्छा। जो अच्छे काम करने वाला अच्छे यहाँ पैदा हुआ, इसमें ये सिक्स फॉर्म में जो है ना, सर पैच जो है ह्यूमन बींग्स, जहाँ हम पैदा हुए हैं, हमारे पास सभी पावर होते हैं, या अच्छे काम करो या बुरे काम करो। अगर कच्चे अच्छे काम कुछ मुक्ति चाहते हैं तो अच्छे काम भी कर सकते हैं, मतलब इसी जन्म में सबसे वैसे ही।
And that is all from Thikse Monastery. Do like, comment, and subscribe to our channel. Have a great day.